पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भगवती देवी जूनियर हाई स्कूल में सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट और स्नेह एनजीओ की संस्थापिका शिखा गुप्ता ने अपनी संस्था की तरफ से विद्यालय को स्वच्छता अभियान को जागरूक कराने के उद्देश्य से निशुल्क वाटर फिल्टर दान किया। स्कूल के बच्चों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। विद्यालय की प्रबंधिका शिप्रा दीक्षित ने भी विद्यालय को और आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने का ज्ञान अपने स्कूल के बच्चों को दिया। इस मौके पर विशेष सहयोगी गरिमा सिंह भी साथ रहीं। प्रधानाचार्य सुनीता खरे, श्वेता दुबे और रश्मि परिहार सभी अध्यापिकाओं के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीएल गुप्ता चैरिटेबल फाउंडेशन 2009 में बना था, जिसके अंतर्गत सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई थी। सन 2009 से सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट बिना किसी भेदभाव के गरीबों की गांव-गांव जाकर, मंडल के गांव-गांव में जाकर गरीबों के लिए आंखों के इलाज कर रहा है। और अभी तक हम इस संस्था के अंतर्गत 31 गांव को अंधता मुक्त निवारण कर चुके हैं। इसी सीएल गुप्ता चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर 2017 में मेरी बहुओं के द्वारा प्रोजेक्ट स्नेह की नींव रखी गई। स्नेह ये समाज के बहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए इस संस्था की नींव डाली गई है। इसके चार मुख्य धाराएं हैं। पहला है स्नेह में एस मीन सैनिटाइजेशन। तो इसमें मैंने स्कूल जाकर छोटी बच्चियों को बहुत सैनिटाइजेशन के बारे में वर्कशॉप्स दी। सेकंड जो इसका मुख्य बिंदु है एन नेचर एंड नर्चरिंग। नेचर इसके अंदर मेरा मानना है कि आजकल पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, शहरों में पेड़ों को बहुत काटा जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वेब से लेकर और विवेकानंद तक का जो अंदर का प्रतिमा बैंक के सामने वाला डिवाइडर है, उसमें मैंने करीब 290 पेड़ों को जकरंदा में विस्फोलिया। एजुकेशन के तहत मैंने पिछले वर्ष भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के कहने पर कस्तूरबा गांधी के 9 ब्लॉक से 9 कन्याओं की शिक्षा अडॉप्ट करी थी। इस वर्ष भी मैंने हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज से 10 बच्चियों की शिक्षा अडॉप्ट करी है। दूसरा है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में मेरी जो दो बहुएँ हैं गुंजन और दीप्ति, वो इस पर काम कर रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले आगामी जुलाई के महीने से मैं स्त्रियों के लिए काम देने में सक्षम हो पाऊँ। अगर मैं इनको स्वस्थ नहीं रख पाई, खाली आँखों का इलाज करने से मेरे प्रोजेक्ट स्नेह का मकसद पूरा नहीं होता है। उसके लिए मुझे स्कूल जाकर बच्चों को, छोटे बच्चों को जो कि कल का भविष्य है हमारे देश का, स्वच्छता का पाठ पढ़ाना है, उनको बीमारियां ना लगें, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी तक 2 स्कूलों में पानी का फिल्टर लगवा चुकी हूँ। मैडम, ये अभियान आगे भी इस तरह से आपका जारी रहेगा? जी, मैंने आज भी यहाँ भी शिप्रा दीदी से कहा है कि जो भी मुझसे हो सकेगा, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहते हुए मैं जो भी आपके स्कूल के लिए कर पाऊंगी या मैं भविष्य में और भी जो ऐसे स्कूल जहां के प्रबंधक गरीब बच्चों की सहायता करते हैं, आप जब बच्चों में ये शिक्षा आ जाएगी तो वो अपने बड़ों को भी रोकेंगे। और मेरा मानना है कि बहुत हद तक हम अपने शहर को स्वच्छ रख सकेंगे। और जब हमारा शहर स्वच्छ होगा तो हमारा समय स्वास्थ्य का लाभ भी 100% प्राप्त होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।